मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह का जन्म दिवस आदिवासियों ने मनाया है। रामनगर के सेदुरा गांव में आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा किया गया था, जहां पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के जन्म दिवस पर जगह जगह पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। अमरपाटन के महाविद्यालय के पास NSUI छात्र संगठन के छात्र एवं छात्राओं ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष का जन्म दिवस पर स्वागत किया। इसके बाद वह ग्राम सेदुरा पहुंचे, जहां आदिवासी ग्रामीणों ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह का जन्मदिन पूरी धूमधाम के साथ मनाया। इसके साथ ही आदिवासी समाज के लोगों ने आदिवासी सम्मेलन में आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतियां भी दी और पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। हमारा जो बड़ा देव का चक्र बने हुए हैं, शायद जंगल विभाग की जमीन, जंगल की जमीन, इसको हम व्यास करके सरकार आ जाएगी अपनी तो ये रेवेन्यू में करा के और विधिवत आवंटित करेगा, कराएंगे इसको बड़ा देव मंदिर के नाम से। और यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा और एक भव्य विश्राम भवन भी बनेगा। बाहर से आए हुए जो हमारे आदिवासी भाई अतिथि लोग आएंगे बड़ा देव का दर्शन करने, जब भव्यता आ जाएगी तो बड़े बड़े दूर से लोग आएंगे, तो वो हम आज संकल्प लेते हैं कि वहाँ हमको बनवाना है। क्षमता कम है, बिजली की हालत क्या है, बिजली सुधार नहीं रहा, मामा हर दूसरे गांव का ट्रांसफार्मर फेल है। ये सारी चीजें हमारी आने वाली सरकार सुधारेगी, बेहतर करेगी। और जो गारंटियां दी हैं कमलनाथ जी, 1,000 रुपया 1,500 रुपया महीना, 500 में गैस सिलेंडर और सबको बिजली फ्री घर में, 100 यूनिट तक, 100 यूनिट से ज्यादा कोई नहीं जलाता, सबको मुफ्त बिजली मिलेगी।